लाइट वगैरह लग जाएगी, फूलों से डेकोरेशन होगा मंदिर का शाम को। कितना प्यारा लग रहा, कितनी खुशी हो रही है अंदर से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम लोग दोपहर को 2 बजे धूप में घूम रहे हैं। साईं बाबा स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है वो कल है 14 फरवरी को, और आज हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो सोए के हलवाई है तो वो बना रहे हैं मिठाई, तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहीं। और साथ में हमारे हैं आंटी। आंटी आप भी हेलो कर लो। हाय। हम दोनों छतरी लेके धूप में घूम रहे हैं। क्या करें, धूप तो है, धूप बहुत तेज है। अंदर ही चलें ना, अंदर से चलते हैं। अंदर से आज मदर ने सफाई फाई तो करी है शायद, और टेंट का सामान भी आ गया है। आज ही लाइट वगैरह लग जाएगी, फूलों से डेकोरेशन होगा मंदिर का शाम को। सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाती रहूँगी। और मंदिर की पूरी रंगाई पुताई बहुत बढ़िया से हो गई है, बहुत सुंदर मंदिर लगने लगा है। माली ने भी पूरे गार्डन को बढ़िया से क्लीन कर दिया है। वो उस तरफ वाले गार्डन में हम भंडारा करेंगे, और इस वाले गार्डन में पूरा पूजा होगी। चलिए आपको मिलाते हैं हलवाई से। तो टेंट वाली की जैसी रहती है, घर जैसी नहीं दिखेगी। नहीं भैया, साफ सफाई बढ़िया बनाना। बनने लगे लड्डू? अच्छा, लड्डू बनने लगे। हाँ। साइज अच्छा है, कलर बड़ा प्यारा लग रहा, पीला पीला। हाँ, कलर सही रहना। हाँ, सही है। अपन ने कोई कलर नहीं डाला है। एक पूरा ऐसे पहाड़ी बनता है, जो दिखाता है वैसा चाहिए। सुबह सजाएंगे। 5 माला बोला था। हाँ, उस दिन 5 माला बोला था, आप लेके आइएगा। रात को ही रखा है ना, सुबह सब निकाल देना आप, है ना। कल तो फेरो कर लेंगे। हाँ ठीक है, नीचे जाना, बीच में रख ले। अरे ये देखना, हाँ टंकी दो, टंकी दो, माला रख दो आप। अभी वो आ रहे हैं ना, तो हम उनके हाथ टंकी भी जमा रखवा देंगे। हाँ, आर्यन भी हेल्प कर रहा है हमारी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। वो बाहर से आए हैं। कौन? वो मिलने मेरे को आए हैं, भंडारा के। हाँ, कितने बजे से? 2 बजे से। 2 बजे वो पूछ रहे थे। ठीक है ठीक है, चलो चलो। अच्छा, इसी के ऊपर। अच्छा, ये है वो चना, छोले चना। वही ले। हाँ, वही ले चलो। मैं अभी जस्ट मंदिर से आई हूँ, और इतनी ज्यादा बिजी चल रही हूँ भाई। आज तो मेरा पूरा दिन बिजी ही था। और अभी अभी हलवाई ये देखिए 21 किलो के लड्डू बना के गए हैं। ये दोनों जगह लड्डू रख दिए हैं, और उधर रखी है सब्जी। अभी हरी सब्जी लाना बाकी है। और ये सारा है किराने का सामान। ये किराने का सामान है, ये डिस्पोजल है, ये आटा है। पूरा मतलब कल भंडारे की तैयारी फुल चल रही है। पहली बार कर रहे हैं हम कॉलोनी वाले मिल करके, तो देखते हैं कैसा होता है। सब साईं बाबा की कृपा है, अच्छा अच्छा हो जाए, बस यही चाहते हैं। ये कल महाआरती के बाद ये लड्डू का प्रसाद बटेगा। तो ये बन गए हैं हमारे 21 किलो के पूरे मगज के लड्डू। ये कल के लिए माला, खुले फूल, ये सब आ गए हैं। तो इन सबको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। मिठाई और ये फल सब आ गए हैं, सब तैयारी हो गई है। मैं जा रही हूँ मंदिर, जो थोड़ा बहुत काम है वो भी देख लेते हैं। और आज कई लोग लगे हैं मंदिर में। ये टेंट लग रहा है, कल धूप रहेगी ना दिन भर, तो उसके लिए टेंट तो बहुत ज़रूरी है छाए के लिए। ये गेट से लेकर के पूरा यहाँ आते हैं ना अंदर साइड, तो पूरी यहाँ लाइट लग गई है। ऐसे ही पूरा चारों तरफ लग जाएगा। आइए, आप ही का इंतजार था मटर छीलने में। ये सब देखे, इतना सा सब छील दिया, ये नहीं मालूम। ये सब सामान आ गया, गोभी देखे। देखो बहुत सुंदर लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा, कितनी खुशी हो रही है अंदर से। हमें तो इतना, हमने बोला दिवाली में पे लाइट की और भगवान जी को उसमें फूलों, पूरा मंदिर फूलों से सज गया है। सच में बहुत प्यारा लग रहा है।
ये साईं बाबा का अंदर से भी पूरा सजा दिया है। और ये यहाँ बगल में यहाँ से चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ ऐसे फूलों से पूरी सजावट हो गई है। कल ये झंडे में भी नया झंडा लगे फूलों से सजा दिया गया है। और इस तरफ दुर्गा जी बैठी हैं, वहाँ भी नीचे ऐसा सजाया है। और यहाँ ये महाआरती आ गई है। ये कुछ लोग दान दे के गए हैं तो कल भंडारे में पड़ेगा। चलो अब मंदिर को बंद कर देते हैं, रात के 9:30 से ज़्यादा हो गया है। चलिए गुड नाइट साईं बाबा। ये अंदर से भी मैं दिखा देती हूँ, अंदर भी देखो पूरे फूलों से सजाया ना, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है।